गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी चैनल साई साइनर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। साई साइनर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आई एम विकी विशाल, टीचर ऑफ साइंस सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू COVID-19 लॉकडाउन सिचुएशन, आवर स्कूल डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेज ऑफ every subjects from nursery to class 10. Students, in this video we will study about the reproduction in plants. This is the first chapter of science subject for class 5. Before going to start the video, I request you to bring pen and notebook to understand better this chapter. I mean, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि मैं जो भी कुछ पढ़ाऊं उसे आप आसानी से समझ सकें और लिख सकें। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पहला हमारा क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, और इन प्लांट्स यानी कि पौधे में। तो पौधे में प्रजनन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले जानेंगे कि प्रजनन होता क्या है। ठीक है, तो प्लांट्स कंटिन्यू टू लिव ऑन द अर्थ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स। प्लांट्स जो है अपना आगे का लाइफ जो है वो कंटिन्यू करते हैं, अपने न्यू प्लांट्स को जो है डेवलप करके। इस जिस प्रक्रिया से वो डेवलप करते हैं उसी प्रक्रिया को जो हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि प्लांट्स का रिप्रोडक्शन कहते हैं। देयर आर थ्री वे बाई विच प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस। ऐसे तो बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं जिसके थ्रू जो है प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन आप लोग के बुक में जो है ये तीन प्रकार के रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में दिया हुआ है, तो आज इन तीन के ही बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स यानी कि बीज से प्रजनन, और रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्स यानी कि बीजाणुओं से प्रजनन। तो इन तीनों टॉपिक्स पर जो हम विस्तारित रूप से इस वीडियो में पढ़ेंगे, और ये हमारा जो है फुल वीडियो होगा क्लास 5 के लिए चैप्टर 1 का। और इसको जो है आप लोग अच्छे से समझिएगा, और नहीं भी समझ में आता है तो आप फिर से दो बार, तीन बार, चार बार जो है आप वीडियो को फिर से देखिए, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और घर पर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और सबसे अच्छी बात कि जो है इसको नोट डाउन करते रहिए। हमने वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया है कि आप इसको नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पढ़ते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सम अदर पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट लाइक स्टेम, रूट्स, लीव्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन हम उसको कहेंगे, जिस प्रोसेस के माध्यम से प्लांट जो है अपने अदर पार्ट्स, जो मदर पार्ट्स होते हैं उसके, जैसे कि स्टेम हो गया उसका, रूट्स हो गया उसके, लिप्स के थ्रू जो है जो प्रजनन करते हैं उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। और कुछ अलैंगिक प्रजनन दिए हुए हैं, जैसे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम्स, जैसे कि पोटैटो हो गए, जिंजर हो गया, रोज हो गया, मनी प्लांट हो गया, शुगर कैन हो गया, ये जो है स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, तो स्वीट पोटैटो, डालिया, ईटीसी, ये सारे जो हैं वो रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लिप्स। लिप्स के थ्रू कैसे वो ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जैसे ब्रायोफाइलम है, तो ये जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लिप्स के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। मोस्ट प्लांट्स क्रिएट न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर सीड्स। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो सीड से यानी कि बीज से उपजते हैं, बीज से जो है वो उपजते हैं। फ्लावर्स ग्रो ऑन प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्रूट्स। तो जो फ्लावर्स उस प्लांट्स पर ग्रो करते हैं वो जो है प्रोड्यूस करते हैं क्या, फ्रूट्स। जितने भी फ्लावर्स हैं वो उसके बाद जो है वो फ्रूट्स में तब्दील हो जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं, तो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। कुछ जो है सीड्स जो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं किसके द्वारा, तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स चलते हैं, हवाएं चलती हैं उसके द्वारा जो है वो ख़त्म हो जाते हैं।
एंड सम आर ईटन बाई इंसेक्ट्स, और कुछ जो है वो इंसेक्ट्स के या फिर बर्ड्स के द्वारा खा लिए जाते हैं। द सीड्स दैट सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ, और जो सीड्स बच जाते हैं तो उनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो वो ग्रोथ हो जाते हैं और फिर जर्मिनेट कर जाते हैं नए प्लांट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टू अंडरस्टैंड हाउ सीड्स आर मेड, हम समझते हैं कि अब ये इस वीडियो में अब ये जानेंगे कि अब सीड्स जो है वो कैसे बनते हैं फ्लावर्स के अंदर। लेट अस फर्स्ट नो अबाउट फ्लावर्स, तो फ्लावर्स के बारे में हम चले जानते हैं क्या होता है। सो द मेन पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर, देखिए ये पार्ट्स हैं फ्लावर्स के, और इसी पार्ट्स के थ्रू जो है वो फ्लावर जो है नए ये सीड्स का जो है निर्माण करते हैं। जैसे पहला पार्ट है हमारा सेपल्स, सेपल्स क्या है फ्लावर का, तो दीज आर ग्रीन लीव्स लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ फ्लावर, ये ग्रीन लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पत्ती के जैसे स्ट्रक्चर। जैसे आप फूल देखे होइएगा, फूल के नीचे जो हरा कलर का जो पत्ता दिखता है वही जो है उसी को जो हम सेपल्स कहते हैं। ठीक है, जो बेस में जो फूल फूल को जो है वो पकड़े हुए रहता है, जिस पर फूल जो है वो अड़ा हुआ रहता है, उसी को हम जो है सेपल्स बोलते हैं। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द बर्ड बिफोर इट्स ओपन, ये खुलने में जो है उसका मदद करता है, किसके फूल को खुलने में। सेकेंड है पेटल्स, दीज आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर्स, ये जो ब्राइटली कलर्ड पार्ट्स होते हैं फूल के, जो कलर पार्ट होते हैं वो उसको हम पेटल्स बोलते हैं। दे अट्रैक्ट्स बीज एंड बटरफ्लाइज, इसी के अट्रैक्शन के थ्रू जो है बीज और जितने भी बटरफ्लाइज हैं उसी से अट्रैक्ट होकर जो है उसके नज़दीक में आते हैं और आकर के जो है उसका रस चूसते हैं और फिर जो है वो चले जाते हैं। अगला है थर्ड जो है स्टैमेन, स्टैमेन क्या है, तो इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टैमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और पिस्टिल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम इसको इट इज ऑल्सो नोन एज कार्पेल, जिसको कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल यानी कि ये बीज का बिखराव जो है वो कैसे होता है, तो इसमें भी बहुत सारे ये प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कुछ आप लोग को जो है कुछ ही प्रक्रिया पढ़ना है, जैसे कि सीड डिस्पर्सल बाय विंड, डिस्पर्सल बाय वाटर, डिस्पर्सल बाय एनिमल, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जो विंड से डिस्पर्स करते हैं, वाटर से डिस्पर्स करते हैं, एनिमल से डिस्पर्स करते हैं, एक्सप्लोजन से करते हैं, तो इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, डिस्पर्सल बाय विंड में क्या 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 आते हैं, तो कॉटन हो गया, डैंडेलियन हो गया, ये डिस्पर्स कैसे करते हैं, तो विंड के थ्रू जो है वो डिस्पर्स करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और वाटर के थ्रू कौन कौन करते हैं, तो वाटर लिली हो गया, लोटस हो गया। एनिमल्स के थ्रू कौन कौन है, तो ऑरेंज है, मैंगो है, ये एनिमल्स के थ्रू हो गया। एक्सप्लोजन यानी कि फट करके जो उड़ के जो डिस्पर्स करते हैं वो, जैसे पी हो गया, बीन्स हो गया, तो ये जो है वो डिस्पर्सल बाई एक्सप्लोजन के थ्रू जो है वो रुकते हैं। तो रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्ट्स, अब जो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स यानी कि बीजाणुओं के द्वारा रिप्रोडक्शन प्रजनन जो है कैसे होता है। द प्लांट्स विच डज नॉट हैव फ्लावर्स और सीड्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जिसमें सीड्स नहीं, सीड्स होते हैं बीज होते हैं ना ही फ्लावर्स होते हैं, तो वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो यही स्पोर्ट्स के थ्रू, बीजाणुओं के थ्रू जो है वो प्रजनन करते हैं। ठीक है, जैसे पहला है एग्जांपल मशरूम्स, ये मशरूम्स में सीड नहीं होते हैं, ठीक है ना ही फ्लावर्स होते हैं, ये जो है स्पोर्ट्स के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। मॉसेज हो गए, फर्न्स हो गए, तो इनके अंदर ना सीड्स होते हैं ना फ्लावर्स होते हैं, ये स्पोर्ट्स के माध्यम से, बीजाणुओं के माध्यम से जो है वो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण। ठीक है, अंकुरण द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स इनटू अ सीडलिंग्स, यानी कि जो छोटे छोटे सीड्स हैं वो जब छोटे बेबी प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जिस प्रक्रिया के थ्रू होते हैं उस प्रक्रिया को जो हम जर्मिनेशन कहते हैं, यानी कि अंकुरण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है पूरा टॉपिक पर कवर हो गया, यही टॉपिक जो है पूरे चैप्टर में पढ़ना है, इसको आप दो बार तीन बार जो है वीडियो को देखिए, समझिए, इसको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से पढ़िए, घर पर रहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।